6 subject Hindi Sahitya. Today I will book play. Page number 14, question number Kha. Rikt sthanon ki poorti kijiye. Number 1. वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अव टुकड़े न किए जा सके कहलाती है. क्या कहलाती है? वन, किसी भाषा के व्यवस्थित वर्णों के समूह को कहते हैं. नंबर टू, किसी भाषा के व्यवस्थित वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला. नंबर फाइव, प्रत्येक व्यंजन में लगा होता है स्वर. प्रत्येक व्यंजन में क्या लगा होता है? स्वर. खाली जगह का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है. बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है. स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है. नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कुल भेद होते हैं. हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कुल दो भेद होते हैं. नंबर का, सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए. नंबर वन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. कैसा ये? सही है. नंबर टू, हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 13 है. स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 है. तो ये कैसा हो गया आपका? रॉन्ग. नंबर फाइव, स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के बाहर आती है. सही है. नंबर फोर, अंग को विसर्ग कहते हैं. अंग को क्या कहते हैं बताइए? अनुस्वार. तो ये भी आपका रंग हो गया. नंबर फाइव, ड तथा ढ कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं. सही है. नेक्स्ट नंबर था, बहुविकल्पीय प्रश्न अंग चंद बिंदी की ध्वनि को कहते हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग. तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका राइट है, अनुनासिक. नेक्स्ट नंबर टू, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं शब्द वर्ण संयुक्त व्यंजन. तो दिस सेकंड पार्ट वर्ण. नंबर थर्ड, या संयुक्त वर्ण में मिलते हैं गा प्लस या, जा प्लस वन, जा प्लस या. तो ये आपका सेकंड पार्ट राइट है, जा प्लस वन. नेक्स्ट, स्वरों का बदला हुआ रूप कहलाता है. स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? शब्द, मात्रा, वर्ण. तो दिस सेकंड पार्ट मात्रा. नंबर फाइव, एक ही व्यंजन का एक साथ दो बार प्रयोग कहलाता है द्वित व्यंजन. नंबर फाइव, द्वित व्यंजन. इसको आप घर पर फिल करिए. और नंबर पढ़ा में दिया हुआ है चंद बिंदी और अंग की बिंदी, इसका आपको प्रयोग करना है. जैसे पढ़ा इसमें आपको अंग की बिंदी और चंद बिंदी इनका यूज करना है. जैसे फर्स्ट है अगूर, तो अगूर को क्या लिखते हैं? अंगूर. अंगूर.
इस तरीके से, ये आपका होमवर्क है।